बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जो वबा है इसे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, घर में रहें, महफूज रहें। जो बहन भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स भी करें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन मैक्रोनीज। आज मैं चिकन मैक्रोनीज बनाऊंगी। आइए चलते हैं, बनाते हैं चिकन मैक्रोनीज। चिकन मैक्रोनीज बनाने के लिए जो चीजें मैंने ली हैं उनमें है एक पाव से थोड़ा ज्यादा ही चिकन है बोनलेस, और फिर बंद गोभी है एक कप, शिमला मिर्च है उसमें मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्च है, और उसमें मैंने तीन दूसरी वाली सब्ज मिर्चें भी काटी हैं, थोड़ा सा प्याज काटा है छोटा सा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर मैंने छील के काट ली हैं, दो दरमियाने से साइज के थे, और जो स्पाइसेस उसमें डालने हैं हाफ चम्मच मैं नमक का लूंगी, हाफ चम्मच काली मिर्च और हाफ चम्मच रेड मिर्च और हाफ चम्मच रेड कुटी हुई मिर्च, और बाकी इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ये चीजें भी जाएंगी, वो फिर मैं आपको जब बताऊंगी डालूंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि वो कितनी क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने पानी डाल के तो दो कप उसमें मैंने मैक्रोनीज के डाल दिए हैं, मैं इसके नीचे आग लगाऊंगी, और इसमें मैं हाफ चम्मच नमक का डालूंगी बॉयल करते हुए, और थोड़ा सा इसमें तकरीबन दो टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल का डालूंगी ताकि मैक्रोनीज आपस में जुड़े ना। अब 6-7 मिनट तक बॉयल करूंगी, फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस होगा। मैक्रोनीज बॉयल हो गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब इनको मैं पानी अलग कर लूंगी इनका। मैक्रोनीज से पानी अलग कर लिया है, और एक चम्मच खाने वाला जो है वो मैंने ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि वो आपस में जुड़े नहीं। तो अब मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं कढ़ाई में, और इसमें अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, छोटे साइज का मैंने प्याज लिया था और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाना है। तो प्याज भी मेरा 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब इसमें मैं चिकन डालूंगी, चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, चिकन मैंने डाल लिए, इतनी देर तक मैं इसको फ्राई करूंगी जब तक ये इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, व्हाइट कलर हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्राई करना छोड़ दूंगी। जितने भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल को देखते हैं प्लीज मेरे चैनल को देखा करें, मेरी वीडियो को फुल टाइम दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप बहन भाई की वजह से ही इंसान कामयाब होता है, अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। तो काइंडली जरूर वीडियो को फुल वॉच किया करें, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होती, तो मेहरबानी आप लोगों की। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, और जब तक ये नरम नहीं होते उतनी देर तक इसको मैं फ्राई करूंगी। टमाटर भी गल गए हैं, अब इसमें मैं पाउडर मसाले डालूंगी, क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी है।
स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। कोई लोग ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, कोई जो है वो बिल्कुल ही लाइट से। हम तो तकरीबन दरमियाना सा ही होता है, ना तो ज्यादा फीका ही और ना ज्यादा मिर्च मसाला। अब मैं इसमें एक चम्मच चिली सॉस, सॉरी सोया सॉस का, और एक चम्मच सिरके का। डाल दिया एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच सिरका। ऐड करूंगी बंद गोभी जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। और शिमला मिर्च वो भी बारीक काट ली थी, और उसमें मैंने तीन सब्जियां काटी थी बारीक बारीक। अब इनको भूनूंगी, थोड़ा सा इनको फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें दो चम्मच डालूंगी कैचअप के, ऐड करूंगी मैक्रोनीस। देखें बिल्कुल खिली खिली है, कोई मैक्रोनीस एक दूसरे के साथ जुड़ी जुड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑयल डाल दिया था, मिक्स कर दिया था कि ये जुड़े नहीं बॉयल करने के बाद। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मैक्रोनीज बनके तैयार हो चुकी हैं। अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह मैक्रोनीज बनके तैयार हो चुकी हैं, और केचप सॉरी चिली सॉस डालना मैं भूल गई थी, फिर मैंने दोबारा से डाला है। बहुत प्यारी बड़ी यम्मी बनी है। तो आप भी ये मेरी रेसिपी को ट्राई करें, तो कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।